मीनाक्षी, सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल आयकर विभाग ने दिल्ली में एक बड़ी छापेमारी की है। साउथ एक्सटेंशन में प्राइवेट लॉकर से 10.5 करोड़ नकदी और 9.5 करोड़ के गहने बरामद किए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में ये नकदी और गहने बरामद किए गए। जिसके पास से पैसे बरामद हुए वो एक बिल्डर और गुटखा बनाने वाली कंपनी का मालिक है। पहले भी इसी ठिकाने से 42 करोड़ बरामद किए गए थे, यानी कुल मिलाकर यहां से अब तक 61 करोड़ की संपत्ति निकाली जा चुकी है, जबकि अभी कई लॉकर्स का खोला जाना बाकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सोने के बिस्किट, जेवरात, नकदी यहां से बरामद हुई है। और इससे पहले भी छापेमारी हुई थी तो उसमें उस वक्त भी करीब 42 करोड़ बरामद किए गए थे। तस्वीरें देखिए, जेवरात, नकदी और इतना पैसा एक घर में स्टोर करके रखा हुआ था। हालांकि अब आयकर विभाग ने छापेमारी की है तो कहां से यह पैसा आया, सोर्स क्या, ये तमाम बातें भी सामने आएंगी। तनसीम हैदर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनसीम, हैरान करती हैं तस्वीरें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद इतनी बड़ी संख्या में किसी के पास नोट मिलेंगे नहीं, ऐसे में 42 करोड़ के नोट, नए नोट बरामद किए गए हैं, सोने के बिस्किट हैं, सोने की ज्वेलरी है। जी, जाहिर सी बात है कि मोनेटाइजेशन के बाद इसी फर्म पे रेड हुई थी, यही लॉकर खोले गए थे, तब करीब 40 करोड़ के आसपास का कैश और ज्वेलरी बरामद हुई थी। यानी 6 महीने बाद दोबारा अगर रेड होती है और उतनी ही मात्रा में जेवरात, इसमें हीरे के जेवरात भी हैं, सोने के भी हैं और कैश है, जिसमें कि जो 2000 के जो नए नोट हैं उनकी संख्या बेहद ज्यादा है, तो ये चौंकाने वाला है कि ये सीरियल ऑफेंडर हैं, यानी कि इनकम टैक्स ने सीरियल ऑफेंडर मान के इनपे किया और दोबारा इनके पास इतना ही मिला। चुकी अभी रेड चल रही है तो इनकम टैक्स अफसर को कहना है कि अभी और लॉकर खोले जाएंगे तो ये जो इनका अमाउंट है और जो जेवरात है उनकी तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लॉकर्स जो बेसमेंट में हैं वो खोले जाना बाकी है। तंजीम, क्या क्या मिला है अभी तक? जी, इसमें 500 के नए नोट हैं, 2000 के नोट हैं, सोने के बिस्किट्स हैं, सोने के जेवरात हैं, हीरे के जेवरात हैं। अभी करीब 10 से 15 लाख रुपए का ये आंका जा रहा है की करेंगे, जिसमें बड़ी अनहोनी होते होते टल गए। दरअसल दिल्ली में हुए इस हादसे में सेना के 3 कमांडो बाल बाल बच गए। हादसा जमीन से करीब 40 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हुआ और महज 14 सेकंड में उस हादसे में जांच के आदेश सेना ने दे दिए। और पता ये लगाया जा रहा है कि आखिर हेलीकॉप्टर से ये रस्सी कैसे अलग हुई। तस्वीरें आप देखिए, आपको भी हैरान करेंगे तस्वीरें। दिल्ली में बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर से गिरे कमांडो, रस्सी खुली, हादसा हुआ। दिल्ली में 9 जनवरी की सुबह भारतीय सेना के जवान आर्मी डे परेड की तैयारी कर रहे थे। रिहर्सल के वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके होश फाकता कर दिए। देखिए कैसे सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर जमीन से करीब 40 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर था और फिर उसमें से एक एक कर कमांडो निकलने लगे। पहला जवान निकला और फिर जमीन पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ही दूसरा जवान निकला और तेजी से नीचे जाने लगा। तभी तीसरा जवान हेलीकॉप्टर से बाहर आता है और वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि चौथा जवान भी हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है और तभी रस्सी हेलीकॉप्टर से अलग हो जाती है। रस्सी पर लटके तीनों जवान तेजी से नीचे गिरते हैं। एक बार फिर से देखिए, चौथे जवान के बाहर आते ही रस्सी हेलीकॉप्टर से अलग हो जाती है और सभी जवान नीचे गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई से चौथा जवान गिरता है, करीब 40 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से ये कमांडो गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती इस बात की थी कि जवान बाल बाल बच गए, यहाँ तक कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। इसे आर्मी की ट्रेनिंग कहें या फिर जवानों की रक्षा में लगे उपकरण और ड्रेस, जो जवानों को इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई खास चोट नहीं लगी। हालांकि सेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और रस्सी अलग होने की तकनीकी जांच भी की जाएगी। शिव अरूर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।
और मीनाक्षी अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती से आतंकी जमात में डर और खौफ फैल गया है। हाफिज सईद के बाद जैश के सरगना मसूद अजहर का खौफ खुलकर सामने आया। दरअसल मसूद अजहर ने ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका को हेकड़ी दिखाई है। हैरत की बात यह है कि किम जोंग वाले अंदाज में इसने भी अमेरिका को एटम बम की ताकत दिखाने की कोशिश की, जो कि अपने आप में हास्यास्पद है। पहले हाफिज सईद ने जहर उगला की बड़ी कामयाबी समझता हूँ, और अब अजहर मसूद गीदड़ भपकियां दे रहा है। ये सब पाकिस्तान के वो प्रहरी हैं जो ट्रंप के पाकिस्तान पर किए गए ट्वीट से तिल मिलाए हुए हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के मुंह बंद हैं और वहाँ के राष्ट्रीय अतिथि बने आतंकी बड़बड़ा रहे हैं। अदा करते हैं चीन का, जिसने इस मसले में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। जैश के मुखिया अजहर मसूद ने एक ऑडियो जारी कर पाकिस्तान को ललकारा है और अमेरिका को धमकी दी है। मसूद अजहर का कहना है कि जिस दिन से ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट किया है, उस दिन से पाकिस्तान खौफ में है। अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान को धमकी दी, वो एक बेअकल जालिम शख्स है, हर दिन ट्विटर पर अपनी गिलाजत छोड़ता रहता है। शिमाली कोरिया को बड़ी संगीन धमकियां देता है, मगर जवाब में इसे गालियां पड़ती हैं। शिमाली कोरिया के हुक्मरान बिला झिझके इसे दो टोक जवाब देते हैं, मगर जिस दिन से ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी दी है, पाकिस्तान में खौफ की फिजा कायम हो गई है। जैश के आतंकी ने नसीहत दी है कि अगर पाकिस्तान को सलामत रहना है तो उसे अमेरिका से अलग होना होगा। जो अमेरिका तालिबान को मात नहीं दे सका, वो पाकिस्तान का क्या बिगाड़ सकता है। इतनी बड़ी फौज, इतनी मजबूत आवाम और एटम बम रखने वाला एक इस्लामी मुल्क एक पागल की ट्विटर पर दी गई धमकी से इस कदर खौफजदा हो जाएगा, ये बात सोचना भी शर्मनाक है। मगर अफसोस के ये जिल्लत और शर्मिंदगी गुज़श्ता 16 साल से इस मुल्क का मुकद्दर बनी हुई है। 16 साल पहले एक टेलीफोन कॉल पर हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने खौफजदा होकर अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए हर सहूलत फराहम कर दी, अमरीकी फौज को जमीनी और फिजाई अड्डे दे दिए। मसूद अजहर के निशाने पर भारत भी है, और वो कह रहा है कि जिस अमेरिका ने पिछले 16 सालों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए किया, आज वही अमेरिका पाकिस्तान पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पाले पोसे इन आतंकवादियों की बिलबिलाहट समझी जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी घुड़की और आर्थिक मदद रोके जाने के बाद से पाकिस्तान की हवा गुम है और वो हाफिज सईद पर शिकंजा कस रहा है, इसीलिए उसके भाई को चिंता जताई जा रही है। जिहाद और बात बात पर कुरान के नाम पर मरने मारने की बात इनका सबसे आजमाया हुआ हथियार है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रवैया क्या रहता है और इन लकड़बग्घों का वहाँ क्या हश्र होता है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान में आतंकी बौखला रहे हैं, तो वहीं 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल 17 साल पहले लाल किले पर हुए आतंकी हमले में आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। बिलाल को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया। एजेंसियां उसे ये जानने में जुटी है कि आखिर दिल्ली आने का उसका मकसद क्या था। लाल किले को दहलाने वाला सत्रह साल बाद धरा गया। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ आतंकी बिलाल, गणतंत्र दिवस से पहले शिकंजे में मौत का सौदागर। 17 साल से देश की सुरक्षा एजेंसियां इस चेहरे को तलाश रही थी, ये तलाश अब पूरी हुई है। तस्वीर बिलाल अहमद कहवा की है। साल 2000 में लाल किले पर हुए आतंकी हमले में बिलाल अहमद कहवा आरोपी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और गुजरात एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बिलाल को पकड़ा गया है। बिलाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि बिलाल श्रीनगर से दिल्ली आ रहा है। इस सूचना को गुजरात एटीएस ने स्पेशल सेल से साझा किया और फिर बिलाल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। फिलहाल बिलाल से स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ हो रही है।
दिल्ली एयरपोर्ट से एक आतंकी को हिरासत में लिया गया है। दरअसल गुजरात एटीएस के पास ये जानकारी थी कि बिलाल अहमद नाम का आतंकी जो है वो श्रीनगर से दिल्ली आ रहा है। ये जानकारी गुजरात एटीएस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से साझा किया। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि ज्वाइंट ऑपरेशन कर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और गुजरात एटीएस ने दिल्ली एयरपोर्ट से बिलाल अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। तो ठंड के मौसम में बर्फबारी अपने साथ बेहद खूबसूरत नजारे लेकर आती है और इस वक्त जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। घाटी के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और मौसम की इन दुश्वारियों ने मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं, लेकिन सैलानी खुश हैं। एक घाटी का नजारा है, सब कुछ सफेद चादर से ढका हुआ। जहाँ तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ। प्रकृति की बेहद खूबसूरत जगह है गुलमर्ग। देश का मशहूर स्की रिजॉर्ट है गुलमर्ग, तभी तो हर कोई खींचा चला आ रहा है इस जन्नत में। इस बार गिरते पारे और बर्फबारी ने ऐसी जुगलबंदी की है कि पर्यटकों की हसरतों के पंख लग गए हैं। जनवरी के महीने में जबरदस्त बर्फबारी के बाद उस सफेद चादर पर सरपट दौड़ने का खेल भी खूब चलता है, या यूं कहें तो स्कीइंग के दीवारों के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर पिछले 3 दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। और बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसा एडवेंचर तो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अपनों के संग जिंदगी को यादगार बनाने का इससे बढ़िया पल नहीं मिल सकता। तभी तो बर्फीली वादियों में इन पलों को जी लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। अभी कश्मीर में चिलाई कड़ा का दौर चल रहा है, यानी 40 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और 31 जनवरी को ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका असर दिखाई दे रहा है। 9 जनवरी की रात इस साल श्रीनगर की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक उस रात तापमान था -6.3 डिग्री। गुलमर्ग में तापमान -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख क्षेत्र का करगिल सबसे सर्द जगह है, जहां इस सीजन का सबसे कम तापमान -23.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आशंका भी जताई है कि रात के समय तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। शुजाउल हक, गुलमर्ग आज तक। वहीं सर्दी के इस मौसम में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके जहां बर्फ से पटे रहते थे, वहां इस बार बर्फबारी ऐसी रूठी है कि चिंता का विषय बन गई। और नया शायद यही मौसम की विषमता है कि जम्मू कश्मीर में आपको बर्फबारी दिखाई दे रही है तो उत्तराखंड में तस्वीर कुछ और है। उत्तराखंड में मौसम ऊट पटांगा, बर्फीली वादी औली से इस बार बर्फ गायब। बर्फबारी के साथ केदारनाथ में बर्फ पिघलना भी शुरू। उत्तराखंड में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सब कुछ बदला बदला सा है। आज के और पुराने औली में जमीन आसमान का फर्क है। बर्फबारी के लंबे दौर के बाद औली में शुरू होते थे विंटर स्कीइंग गेम्स, जहां खिलाड़ी बर्फीले ढलानों पर चैंपियन बनते थे, लेकिन आज वही वादियां फीकी फीकी सी लग रही हैं। वहाँ बर्फ की जगह आज सूखे पड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की 16 से 22 फरवरी की नई तारीख को टालना नहीं पड़ेगा। दुनिया के लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि औली को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाए। चंद रोज पहले लगातार हुई बर्फबारी ने वहाँ के निर्माण कार्यों को रोक दिया था, लेकिन इन दिनों हालात बदल गए हैं। बर्फबारी तो हुई लेकिन अब वो पिघलनी भी शुरू हो चुकी है। कभी केदारनाथ में 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ती थी, अब वहाँ ना तो उस हिसाब से स्नोफॉल हो रहा है और ना ही बर्फ टिक पा रही है। औली से कमल नयन सिलोरी के साथ प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ आज तक। तो मीनाक्षी, औली जो लोग स्कीइंग जाने का मन बना रहे थे वो अपने प्लान्स डाल देंगे। फिलहाल 1:11 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सुबह 11 बजे खबरों के डबल डोज के साथ। अब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।